गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन योर इंग्लिश क्लास। चिल्ड्रेन, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 15, द वैक्स पैलेस। चिल्ड्रेन, आई हैव ऑलरेडी टीच यू अबाउट द विक्टिम ऑफ दुर्योधन हु वांट टू किल पांडवास। इन दिस लाइन वी सी दैट पांडवास वेंट टू वानप्रथ एंड इन द पैलेस देयर ही कीप द नेम ऑफ द पैलेस। The name of palace was kept Shivam, means prosperity. Yudhishthira examined the palace carefully because Vidura warned them. Yudhishthira told Bhima that the palace was the trap of death and they should not show that they had none about their trick. They should wait for the right moment. Meanwhile, Vidura sent an expert miner to help them for their protection. The miner worked in secret way and made an underground canal from the wax palace, and that plan Purochan did not know the miner plans. Purochan had his home at the gateway of the palace. Pandavas were alert at the night and in the daytime they go for hunting, and they wanted to know the path if the forest. They were alert as they were said by Vidura. One day Yudhishthira thought that the moment had arrived, so he called his brother and said to escape from the Kunti Devi prepared a good feast for them. At midnight Bhima set fire to the palace and Kunti Devi and Pandavas went through the canal in the darkness. The palace was burning and the people were crying near the palace. Soon the palace changed into ashes. The people sent this message to the Hastinapur. Dhritarashtra went there with their sons for mourning to the Pandavas. Everybody believed that Pandavas had died in the palace. They went to river to perform the funeral rites. Vidura was not weeping in sorrow like others because he knew that Pandavas was safe. Only he was thinking about Pandavas. Bhishma Pitama was also in sorrow, but Vidura told Bhishma secretly about the safety and they successfully escaped. In the forest, Bhim carried his mother on his shoulder and took Nakul and Sahadev on his hips and gave support to Yudhishthira and Arjun with his two hands. When they reached to Ganga river, there was a boat ready for them and the boatman who knew their secret. They crossed the river in the darkness and went across safely into the forest. बच्चे इसमें हम देखते हैं कि पैलेस में जहाँ वो लोग जाते हैं पांडव, उसका नाम रखा जाता है शिवम। शिवम का मतलब होता है प्रॉस्पर्टी, यानी कि उन्नति। और वहाँ पर एक माइनर होता है, मजदूर होता है, वो आता है और बहुत सीक्रेटली चुपके तरीके से एक रास्ता बनाता है, अंडरग्राउंड कैनल बनाता है वैक्स पैलेस के अंदर से अंदर ही जाने का। और वो रास्ता फॉरेस्ट में तरफ जाकर के निकलता है और पुरोचन को ये सारी बातें नहीं मालूम होती हैं। और पुरोचन महल के बाहर गेट के पास अपना घर बना लेता है और वहीं रहता है। पांडव बहुत अलर्ट रहते हैं रात के समय कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और दिन में भी शिकार के लिए जाते हैं। और वो जंगल के रास्ते से को भी मतलब जानना चाहते हैं कि क्या वो रास्ते में अंदर क्या है। पांडव बहुत अलर्ट रहते हैं क्योंकि विदुर ने उनसे कहा था कि उनका वो महल जो है वो उनकी मृत्यु के लिए बनाया गया है। एक दिन युधिष्ठिर ने सोचा कि अब समय आ गया है और उनको उन लोगों यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसलिए वो अपने भाइयों को बुलाते हैं कि अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। और कुंती देवी उस दिन बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं उन अपने बच्चों के लिए, पांडव के लिए। आधी रात में भीम महल में आग लगा देते हैं और कुंती देवी और पांडव कैनल के रास्ते से अंधेरे में महल से बाहर निकल जाते हैं और महल का बहुत तेज़ी से जलने लगता है, उसकी लपटें दूर दूर तक फैलने लगती हैं। और महल के आसपास रहने वाले लोग बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं पांडव के लिए। उनको लगता है कि पांडव मर गए। और थोड़ी देर बाद महल पूरा, क्योंकि वो ज्वलनशील चीज़ों से बना हुआ था, इसे बहुत जल्दी जल जाता है और थोड़ी देर वहाँ पर राख का ढेर हो जाता है। और
जो लोग रो रहे होते हैं आसपास वो लोग उस पांडवों के दुख से दुखी हो जाते हैं और हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास ये संदेश भेजते हैं कि महल बुरी तरह जल गया और पांडव भी जल गए। और धृतराष्ट्र अपने बच्चों के साथ वहाँ पर विलाप करने आते हैं और सभी लोग यही विश्वास करते हैं कि पांडव वहाँ पर महल में मर गए। लेकिन वे लोग अंदर ही से वहाँ से महल से निकल जाते हैं और वे लोग धृतराष्ट्र नदी पे जाते हैं और उनका अंतिम क्रियाकलाप जो भी होता है वो सब पूरा करते हैं। और लेकिन विदुर नहीं रो रहा होता क्योंकि उसको पता होता है कि पांडव सुरक्षित यहाँ से निकल गए, वो उनको कुछ नहीं हुआ है और वो केवल उनके आगे के भविष्य के बारे में सोच रहा होता है। भीष्म पिता जो बहुत दुखी होते हैं, विदुर उनको बता देते हैं कि पांडव के बारे में वो बहुत सुरक्षित है, वहाँ से सक्सेसफुली निकल गए हैं। और फॉरेस्ट में जब पहुँचता है तो भीम अपने भाइयों को माँ को बहुत थका हुआ दिखता है, चलने में असहाय उन्होंने होते हैं, तो अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, अपने दोनों भाइयों को अपने हिप्स नकुल और सहदेव को हिप्स पर बैठा लेते हैं और युधिष्ठिर और अर्जुन को सपोर्ट देते हैं कि उनको आगे चलने में उनको मदद मिले। और जब ये लोग गंगा नदी के पास पहुँचते हैं वहाँ पहले से एक बोट जो होता है वो तैयार रहता है, एक नाव तैयार रहता है और बोटमैन जो होता है नाविक उनके बारे में ये सब कुछ जानता है। और वे लोग नदी को पार करके अंधेरे में जंगल में जाते हैं और वहाँ पे वे लोग सुरक्षित पहुँच जाते हैं। सो इस तरह हम देखते हैं कि पांडव महल से निकल करके सुरक्षित कैनल के रास्ते से जंगल में पहुँच जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। सो चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।